बोले से मैं ना बैठा हूं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम देश और प्रदेश की किसी खबर को पत्रकारों की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। जी हां, आज हमारा विषय है कांग्रेस में द्वंद्व। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में द्वंद्व थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अजय सिंह पर आरोप लगते हैं तो कभी अजय सिंह पलटवार करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पहले ही आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक ही नाम को जो हरी झंडी दी है वो ठीक नहीं है। लंबी खामोशी के बाद अजय सिंह ने कल पत्र लिखा और विवेक तन्खा को चुनौती दी है कि यदि कुछ गलत हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। यही नहीं, अजय सिंह ने यहाँ तक लिख दिया है कि ये बात सही है कि कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मिला हुआ हूँ। कुल मिलाकर ये कि ये विवाद चल रहा है, कांग्रेस में किटकिट जारी है। और एक बात और है कि विवेक तन्खा राज्यसभा सदस्य बनने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एडवोकेट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने उनकी पैरवी की है। और एक मध्य प्रदेश का चर्चित प्रकरण रहा है डंपर प्रकरण, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिजनों को बचाने का काम विवेक तन्खा ने किया है। मतलब यह है कि अब ये विवाद आगे बढ़ने की संभावना है थमने के बजाय। कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी तक। ऐसा लगता है कि शायद वे या तो नए हैं या वे दोनों में समन्वय बिठाने में असमर्थ हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है और दीपक बावरिया जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं दैनिक जागरण के संपादक मृगन सिंह जी, हरिभूमि के प्रशासनिक संवाददाता हरि अग्रहरि। सबसे पहले मैं मृगन सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पूरे मामले पर तीखी नज़र बनाए हुए हैं काफ़ी समय से। अजय सिंह जी ने एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक ये जो पत्र बम फेंका है, क्या अर्थ है इसका? इससे हमें ये लगता है कि जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकती। इतनी ख़राब स्थिति के बावजूद भी कांग्रेस के यहाँ जो नेता हैं एक दूसरे की पर कीचड़ उछाड़ने में जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। विवेक तन्खा जी ने और उसके बाद कार्यवाहक तत्कालीन कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाए थे, उन्हें 3-4 दिन की चुप्पी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उनने साफ लिखा है कि विवेक तन्खा जी अधिक विद्वान हैं, अधिवक्ता हैं, तो वो अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात, उनने उनके लिए भी लिखी है, अपने बाला बच्चन जी के लिए उनने कहा बाला बच्चन जी के पास अगर कोई फाइल गई थी, कब गए थे, कौन लेके गया था, उनने ये बात मेरे को नहीं बताई, अगर गए थे तो बताएं कि उनके पास कौन लेकर गया था। इससे यह लगता है कि कांग्रेस का द्वंद्व अब और तेज़ होने जा रहा है। एक दूसरे पर होता यह है, अगर पार्टियों में आपस में विवेक तन्खा जी को या अजय सिंह को किसी को या अपने बाला बच्चन जी कुछ विवाद था, अजय सिंह से नाराजगी थी या विवेक तन्खा अजय सिंह, तो आपस में बातचीत करते थे, कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ाया गया और उसमें लेटर लिखा गया, फिर ट्वीट किया गया, यहाँ तक कि पूर्व उप लोकायुक्त जस्टिस फैजानुद्दीन जी भी जो बातें कही अखबारों को, उसको भी ट्रैक करके लोगों ने अपने फेसबुक में और उसमें कांग्रेस नेताओं ने डाला। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के जो नेता हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि एक साल बाद चुनाव होने वाला है, विवाद नहीं होना चाहिए, कांग्रेस किसी तरह सरकार बने, अभी तक जिसकी दूर दूर की संभावना नहीं दिख रही है जिस तरह से कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। फिर भी वो अपने अहम की टकराहट के लिए सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात, मृगन सिंह जी, केवल 14 या 15 महीने रह गए हैं अब इलेक्शन के, शायद 12-13 महीने रह गए हैं, पूरा एक साल रह गया। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी की स्थिति में चौथी बार विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है क्या कांग्रेस? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो चौथी बार ही कांग्रेस विपक्ष में बैठने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें नहीं लगता कहीं एक का है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, प्रदेश प्रभारी और नए आए हैं दीपक बावरिया जी, वो यहाँ हैं, मैं समझता हूँ उनको इस मामले में विवेक तन्खा जी से, अजय सिंह जी से और बाला बच्चन जी से बुलाकर खुद पूछना चाहिए कि क्या विवाद है। और कुछ विवाद है तो इस तरह से सार्वजनिक करने से, पत्र लिखने से या ट्वीट करने से अच्छा है आपस में बैठ के जो भी विवाद है उसको सुलझाएं। मैं समझता हूँ बावरिया भी इस मामले में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही, वह चाह नहीं रहे कि कांग्रेस में एका हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो खुद चाहें विवाद, तो विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन हमें लगता है वो खुद
नहीं चाह रहे हैं कि विवाद खत्म हो और चलता रहे उनके लिए अच्छा है, या मैं कहूँ कि इनके इतने बड़े नेता हो गए हैं तो उनसे बात करने की उनमें हिम्मत नहीं है। स्थिति जो भी हो, लेकिन अगर इसमें तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अजय सिंह ने कल चुनौती दी है। हरी अग्रहरी जी, आप बल्लभ भवन भी कवर करते हैं और कांग्रेस कार्यालय भी आपका जाना है, सारी चीज़ों को समझते हैं आप, आपको लगता है कि जो बाला बच्चन जी ने बयान दिया था कि ये 4-5 बार फाइल मेरे पास आई थी, मैंने वापस कर दी, आज अजय सिंह जी ने कहा कि आइए तो जानकारी दीजिए, ऐसा लगता है कि बाला बच्चन ने कुछ जल्दबाजी में बयान दे दिया और असत्य बयान दे दिया उनने? एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। किसी ने PIL लगाया था लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर जी, उस समय राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को यह लिखित रूप से दिया था कि नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त है, ऐसी स्थिति में हम लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बाला बच्चन जी इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास 6 बार फाइलें आई और हम 6 बार लौटाएं, ये हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि यह कुछ जायज है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ये जो कला है, कभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? पहले एक बार ऐसे ही विवाद थे जब मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह जी थे, तो सिंधिया जी ने एक प्रयास किया था डबरा सम्मेलन का। क्या लगता है कि कांग्रेस को बड़े सम्मेलन की जरूरत है जिससे एक मंच पर आए, एकता का कुछ प्रदर्शन करने की जरूरत दिख रही है क्या आपको? कांग्रेस में यह कह सकते हैं जिस तरह से द्वंद चल रहा है उनके लिए एक दूसरी बात यह है कि बड़ा अच्छा माहौल है और उनके लिए एक लकी ईयर हो सकता है अगले साल का चुनाव। ऐसे में उनको द्वंद्व को भुला करके अपने सारे पूरी ताकत के साथ सबको आगे आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यह समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी उनसे चूक होने जा रही है। चलिए मृगा सिंह जी, यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, बाला बच्चन इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? वे प्रभारी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर विधायक हैं और आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनने किस तरह का ये बयान दे दिया कि 5-6 बार फाइल आई और मैंने वापस कर दी लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर? आपको लगता है सही था ये बयान या बाकी कुछ गलती कर गए? देखिए, मुझे जो लगता है कि बाला बच्चन जी ने बयान क्यों दिया, मैं समझो कांग्रेस की गुटबाजी चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो है उसके पीछे कारण, क्योंकि बाला बच्चन जी भी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, लेकिन हाईकमान ने विधायकों को बहुमत के आधार पर जो भी हाईकमान निर्णय लिया था, अजय सिंह को बनाया, उसके बाद से उनके मन में टीच है नेता प्रतिपक्ष बनने के, वो तो मौके की तलाश में थे। लेकिन जहां तक नियम प्रक्रिया मैं समझता हूं जानकारी वो है, उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति में कार्यवाहक शब्द का कहीं प्रावधान ही नहीं है, वो चाहे कार्यवाहक चीफ जस्टिस हो या कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष हो, अधिकार पूरे रहते वो पूरे नहीं नहीं अधिकार नहीं रहते उसमें, इस शब्द का प्रावधान ही नहीं कि अगर कार्यवाहक है तो फाइल भेजी जाए, नियुक्ति दी जाए। जो लोकायुक्त की नियुक्ति अगर नहीं होने का बहुत बड़ा कारण, कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के साथ ही चीफ जस्टिस भी कार्यवाहक थे, जब से नए जस्टिस गुप्ता जी आए हैं चीफ जस्टिस MP के, तब उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, इसके पहले भी चीफ जस्टिस भी कार्यवाहक थे। तो लोकायुक्त संविधान में कार्यवाहक शब्द का कहीं प्रावधान ही नहीं, तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस या कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के समय इसकी नियुक्ति नहीं हो सकती, जहां तक मेरी जानकारी है। मृगा सिंह जी, आपसे एक दूसरा सवाल है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार एक शब्द चलता है, फूल छाप कांग्रेसी। राहुल जी का जो मैंने आज बयान पढ़ा है अखबार में अजय सिंह जी का, उनने भी ये संकेत दिए हैं कि बात सही है कि कुछ कांग्रेसी सरकार से मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, मैं तो समझता हूँ कि ये बात कई बार अभी बाबरिया जी बोल चुके हैं, इसके पहले मोहन प्रकाश जी वो भी बोल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिनके कई तरह के धंधे चल रहे हैं और भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, और उसका असर जो भी उपचुनाव होता है, जैसा भी होता है, तो लोग जिस तरह से मिलते हैं जाकर, वो सब ये बताता है कि हमें ठीक है सरकार आए नहीं, हमारा काम तो चल रहा है ना, इस पर बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे आ गए हैं, तो वो उनको अपनी पार्टी से मतलब नहीं, उनको तो उनका धंधा चलता रहे, इसके लिए वो फूल छाप कांग्रेसी बने हुए दिखाने के लिए कांग्रेसी हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है तो भाजपा के पाले में चले जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को छांट कर अलग करने की जरूरत है, इवन मैं तो कहूँगा उनके पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े नेता हों, अगर एक बार पूरी सफाई हो जाएगी तो लोग हिम्मत नहीं करेंगे। कांग्रेस में यही प्रक्रिया है कि अगर आप आज विरोध करो चले जाओ और कल फिर वापस आ जाओ, जैसे कई नेता जो पिछले चुनाव में भाजपा में गए थे कई बार वो आ गए और या आने का प्रयास कर रहे हैं, कई बड़े नेता हैं जो कि नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें तो मैं कहूंगा जो यहाँ के प्रदेश के बड़े नेता बने हुए हैं
वो इसमें आग में घी का काम करते हैं। अगर वो साफ बोल दें कि अगर तुमने गलती की तो इधर हमारी तरफ देखना नहीं, हमारे बंगले में नहीं आना, तो किसी की हिम्मत नहीं चले जाए। लेकिन जो नेताओं के आपसी द्वंद्व है उसके कारण ये होता है। अगर उसका उनको लगता है कि हमारे आदमी को टिकट नहीं मिला, हमारा आदमी यहाँ पोस्ट पर नहीं आए, तो अपने से विरोध कराना शुरू कर देते, उससे बोलते पार्टी से बाहर चले जाओ फिर मैं तुमको ला लूंगा, जैसे कई नेताओं के मामले में हुआ। मतलब भेजे जाते हैं फिर बाद में बुला लिए जाते हैं। जी, कई नेताओं के मामले में हुआ, और वो लोग दिल्ली भी गए, मिलवा के भी लाए, लेकिन कुछ कारणवश अभी एक दो नेताओं का प्रवेश कांग्रेस में नहीं हो पाया जो भाजपा में गए थे। लेकिन हो सकता है कि चुनाव से पहले या एक दो महीने बाद आप देखेंगे जो पार्टी छोड़ के गए थे जिनके कारण पार्टी काफी नुकसान हुआ। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, नाम बता पाएंगे? नहीं, अभी नाम तो कई नए लोगों को चल रहा है, इसलिए मैं नाम बताना ठीक नहीं। चलिए, हरि अग्रहरि जी, एक चुनौती दी है आज अजय सिंह जी ने, सीधी सीधी चुनौती दी है विवेक तन्खा जी को, लोकायुक्त की नियुक्ति में कुछ गलत हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे विवेक तन्खा जी, बड़े वकील हैं देश के? देखिए, बता दूं कि पिछले 3-4 दिन से जो कुछ चल रहा था कांग्रेस में और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे नेताओं की बयानबाजी चल रही थी, तो ऐसे में जब उनकी चुप्पी टूटी, एक तरह से कह सकते हैं कि आज अजय सिंह ने यह बात कह के एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती तन्खा जी के सामने भी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनकी कुछ लाज बच सकती है, अगर नहीं जाते हैं तो यह माना जाएगा कि वो इस मुद्दे पर गलत है। ओके, मृगन सिंह जी, पिछले एक साल से लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन की बयार चल रही है, अटकलें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया में भी छाया हुआ है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ना तो हाईकमान इस बात को खंडन करता है कि नहीं अजय अरुण यादव जी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे, और ना ही हाईकमान ये कहता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाईकमान भी इन तमाम सारी जो एक कलह बढ़ रही है मध्य प्रदेश में उसके लिए वो भी दोषी है? निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान ही दोषी है, जो या नहीं समझ पा रहा कि हमारे पास समय कितना, एक साल भी नहीं बचे हैं, जब अगले साल इस समय चुनाव पीक पर होंगे, सब कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके होंगे, सारी पार्टियों को डंडे झंडे निकल के सड़क पर आ, ऐसे समय में अब समय नहीं है, फिर भी पार्टी हाईकमान न जाने क्यों इस मामले में इतनी देर कर रहा है कि या तो अगर उनको अरुण यादव जी को रखना तो स्पष्ट कर दें जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या जो भी राष्ट्रीय कि नहीं हमारे अरुण यादव जी ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और बाकी जो कमलनाथ जी हैं, सिंधिया जी हैं, दिग्विजय सिंह, जिसको जिम्मेदारी सौंपना हो सौंप दें। दिग्विजय सिंह तो पहले बोल चुके मध्य प्रदेश में उन्हें आने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी नेता यहाँ के प्रयास है, चाहे सिंधिया जी हैं, कमलनाथ जी, जिसको भी जो जिम्मेदारी सौंपना है, अगर अरुण यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष रखना है, पार्टी हाईकमान का निर्णय है तो अच्छी बात है, उनको रखो प्रदेश अध्यक्ष, सिंधिया जी हैं, कमलनाथ जी, जो जिम्मेदारी कम से कम भ्रम का माहौल है वो दूर, भ्रम का माहौल तो दूर होना चाहिए। इसके कारण कार्यकर्ता भी हिम्मत नहीं कर रहा है। अरुण यादव एक साल से काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि अपन खुद देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात, अरुण यादव एक साल से काम नहीं कर पा रहे हैं, रोज होता है, डेली अखबार में छपता है, जब भी कोई उपचुनाव आता है कुछ भी आता है कि अरुण यादव बदले जाएंगे, वो निश्चित रूप से यही हो रहा है। अरुण यादव को आजकल कांग्रेस के कई नेता, बड़े नेता ऐसे हैं जो काम कम और अरुण यादव की टांग खींचने में ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस में अगर पार्टी हाईकमान का निर्णय अरुण यादव को रखें या नहीं रखें, लेकिन वो और नेता प्रतिपक्ष दो लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कम से कम प्रदेश में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, और बाकी नेता तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। तो मैं तो कहूंगा भैया, अगर टांग खींचने से ही सब कुछ होता है तो फिर चौथी बार आने दो बीजेपी को। अगर सब एक नहीं होते हैं तो अगर इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं आई तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे हालात हो जाएंगे। अगले बार 2023 में जब चुनाव होंगे तो आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए सभी 230 सीटों पर। मृगन सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में परिवर्तन होगा, और यदि होगा तो आपको क्या लगता है किसके नेतृत्व में चुनाव हो सकता है मध्य प्रदेश में? एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में परिवर्तन होगा और राहुल गांधी जी जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे उसके एक दो दिन के अंदर ही चुनाव, मतलब नए प्रदेश के अध्यक्ष, नए चुनाव घोषणा हो जाएगी। वो जिम्मेदारी कमलनाथ जी को सौंपी जाए सिंधिया की, संभावना अधिक इस बात की है कि कमलनाथ जी काफ़ी अनुभवी हैं और उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेता उनका सम्मान करते हैं, और जो पार्टी की गुटबाजी है वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि वो इतना बड़े वटवृक्ष है कि उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे अरुण यादव जी हों, या पचौरी जी हों, या अजय सिंह जी, जो भी नेता हैं उनके किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके सामने कुछ बोल सकें। तो अगर पार्टी की सबसे बड़ी जरूरी है ऐसे नेता को मध्य प्रदेश में जो सबको एक साथ लेकर चल सके, जिसके बात सब माने, बाकी अगर सरकार बनती है तो नेतृत्व कौन करेगा,
ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा या विधायक दल तय करेगा। अधिकतर कांग्रेस में परंपरा रही है कि कैंडिडेट घोषित नहीं करते, और जब पार्टी हाईकमान फैसला करता है। सिंधिया जी भी अच्छे हैं, युवा हैं, मैं समझता हूँ उनको अगर स्टार प्रचारक बनाया जाए, उनको प्रदेश में, पूरे प्रदेश में केवल घूमने की जिम्मेदारी दी जाए, उससे पार्टी को काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और फैसला अगर सरकार, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर सरकार आती है तो फिर तो पार्टी हाईकमान तय करेगा या विधायक दल करेगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है सब एक होकर कांग्रेस की सरकार तो किसी तरह बनाएं, और कांग्रेस को जो लगातार 3 चुनाव से बाहर है, सत्ता में एक बार आए, उसका असर 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव पर ही पड़ेगा। नहीं तो अगर यही स्थिति रही तो फिर और बदतर हालत होने वाली है कांग्रेस। हरि अग्रहरी जी, आपको लगता है जो मनगे सिंह जी ने अभी बताया है कि निश्चित तौर पर एक परिवर्तन होगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, ऐसी संभावना है, आपको क्या लगता है? देखिए, माहौल तो उसी तरह से कुछ ऐसा लग रहा है, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो निस्संदेह उसको फायदा होगा। और जहाँ कमलनाथ की बात है तो कमलनाथ एक कद्दावर नेता है और पूरे प्रदेश में उनकी अच्छी छवि है, और जनाधार के मामले में भी कमलनाथ हमें लगता है कि दूसरे नेताओं से काफ़ी आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं, और कांग्रेस को भी चाहिए कि उन्हें एक मौका दे करके और इस बाजी को जीत सकती है। मृगेंद्र सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी की भूमिका इस समय बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, बेशक वो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसी पैदल यात्रा हो रही है उनकी, जो नर्मदा परिक्रमा चल रही है, आपको लगता है कि पुनर्वास होगा उनका मध्य प्रदेश में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश, आज भी मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा गुट किसी का नहीं है, कहे किस भी लें, मध्य प्रदेश में आज भी तमाम सारे कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आज दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो कि एक एक कार्यकर्ता को फर्स्ट नेम से जानते हैं, उनको हर कार्यकर्ता के, उनके परिवार जानकारी है। तो अगर दिग्विजय सिंह यात्रा कर रहे हैं, भले ही कुछ मन ना बोलें कि राजनीतिक यात्रा नहीं है उनकी, व्यक्तिगत और धार्मिक यात्रा है, लेकिन 6 महीने बाद जब दिग्विजय सिंह की यात्रा ख़त्म होगी, या रामनवमी को या हनुमान जयंती, दो में कोई दिन ऐसा है कि जिस दिन उनकी यात्रा ख़त्म होगी, उसके बाद आप देखिएगा नए दिग्विजय सिंह सामने आएंगे, जो 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की, तब तक वो लगभग आधी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके होंगे, जो स्थितियाँ होंगी वो कुछ अलग होगी, और अलग दिग्विजय सिंह सामने आएंगे जो ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया। क्या वो फिर से दावेदार हो सकते हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री बनने के दावे 93 में भी मैंने देखा था, दिग्विजय सिंह जी जब पीसीसी चीफ थे, मध्य प्रदेश में चुनाव था, और वे लगातार बयान देते थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। इवन उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था ये बताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन जब बहुमत मिला तो सबसे पहले वही मुख्यमंत्री बने थे। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी इस बार ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी जानकारी है, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ के लिए कह चुके हैं कि उनकी जिम्मेदारी, वो उनके साथ बैठ के, उनके बंगले में बैठ के पूरी रणनीति बनाएंगे, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कौन कैंडिडेट हो, इस पर पूरी नज़र दिग्विजय सिंह जी की होगी, वो सब चीज़ तय करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं उठेंगे। दिग्विजय सिंह जी से एक मेरी बात हुई, उनका एक कहना था, हम नर्मदा यात्रा कर रहे हैं, बस हमारी एक ही इच्छा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए उन्हें जो करना पड़ेगा सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मिस्टर बंटाधार का एक कलंक लगा रखा है, उसको पहुंचना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ये कलंक पहुंचना चाहते हैं, साथ ही जो उनकी छवि एक खराब की गई कि हिंदू नहीं है हिंदू, वो भी अपनी वो छवि धोने के लिए नर्मदा यात्रा कर रहे हैं, और वास्तव में वो नर्मदा जी की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं दिखावा कर रहे हो। लेकिन एक जो बात अभी वो शायद भाजपा या सरकार उस बात को समझ गई है, उनके पीछे जो एक टीम चल रही है, जो सरकार ने काम किए हैं वो वास्तविकता का उजागर करते जा रही है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका पूरा मटेरियल इकट्ठा, गांव वाले जो बता रहे हैं साहब सरकार ने घोषणा की इसमें कुछ नहीं हुआ, नर्मदा जी के ये कहा गया था ये नहीं हुआ, ये किसानों की ये समस्या है, पंचायतों की ये समस्या है, वो सब चीज़ें इकट्ठा करने के बाद जिस दिन दिग्विजय सिंह जब यात्रा ख़त्म होगी, और जब सरकार के खिलाफ जो उनको बंटाधार किया गया था, वो अब सरकार के पोल खोल जब शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एक बार भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और उनके जो रणनीतिकार है वो बात समझ गए हैं, इसीलिए दिग्विजय सिंह के पीछे आप देख रहे हैं, सभी जानकारी है, कुछ संघ के लोग भी दिग्विजय सिंह के साथ यात्रा में चल रहे हैं, जो हो सकता है सरकार को जानकारी देते हों या नर्मदा मैया की यात्रा में शामिल हुई हों, लेकिन सरकार दिग्विजय सिंह जी की, पहले तो लगता था कि एक सामान्य यात्रा होगी, लेकिन जिस तरह से उनको समर्थन मिलना शुरू हुआ, गाँव के लोग खुद स्वेच्छा से यात्रा में जुड़ रहे हैं, अपने गाँव के बाहर पहुँचा रहे हैं उनको, उससे लग सरकार के भी कान खड़े हो गए, और सरकार भी अब काफ़ी चौकन्ना हो गई है, और जो भी घोषणाएं थी उनके क्रियान्वयन की दिशा में सरकार तेजी लाने जा रही है। चलिए,
हरी अग्रहरी जी नए प्रभारी महासचिव पर भी थोड़ी बात कर ले, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन प्रकाश जी को इसलिए हटाया गया था कि मोहन प्रकाश जी अरुण यादव के साथ थे, दूसरे गुटों को उतना महत्व नहीं दे रहे थे, इस तरह के आरोप उन पर थे। अब दीपक बावरिया जी आ गए हैं, आपको लगता है कि सबको साथ के चल पाएंगे? क्योंकि उनका जो पहला बयान आया था वो ये आया था कि कांग्रेस हमेशा गुटों से मजबूत होती है, यानी गुटबाजी को उन्होंने ये कह के संरक्षण देने की कोशिश की थी, गुटबाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। और अब वाकई मध्य प्रदेश में गुटबाजी और ज़्यादा उभरने लगी है, कांग्रेस मजबूत होगी और कमजोर हो रही है गुटबाजी से? देखिए, दीपक बावरिया जी की एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने दी है और वो करीब एक महीने की देरी से यहाँ आए। पिछली बार याद होगा आपको कि पिछली बार जैसे ही आए तो यहाँ काफ़ी नारेबाजी, धक्का मुक्की, गाली गलौज, सब कुछ हुआ। और एक दिलचस्प बात उस दौरान देखने को मिली कि ज्योतिराज सिंधिया जी आए हुए थे, उन्होंने दो तीन बार मैसेज भी भेजा था लेकिन वो मिले नहीं थे और निकल के चले गए थे। तो यह संदेश भी जाता है। नहीं, देखिए, ये जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट का है। वो एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए बैठे थे या और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी प्लेन से जाने वाले थे, तो एयरपोर्ट पर मिलने का प्रयास किया था, पर वो अहम का विषय शायद दोनों नेता में रहा होगा कि सिंधिया जी मुझसे मिलने आए या मैं सिंधिया जी से मिलने जाऊँ। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हाईकमान ने उनको भेज करके एक मैसेज तो देना शुरू किया है कि मध्य प्रदेश में माहौल कांग्रेस के अनुकूल है और आप जाकर के मेहनत कीजिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो गुटबाजी है उससे समाप्त करने की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। यदि इसमें वो सफल हो जाते हैं तो निस्संदेह एक बड़ी कामयाबी उनकी। मृगन सिंह जी, आप कैसा क्या लगता है दीपक बावरिया जी का? क्योंकि दीपक बावरिया जी आए हैं, जिस दिन वो एक महीने इस बात का प्रयास करते रहे अपनी नियुक्ति के बाद कि कमलनाथ, सिंधिया, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह जी सब एक साथ आए, उस दिन वो यहाँ ज्वाइन लें करें, वो यहाँ चार्ज लें, पहली बार वो आना चाहते थे, लेकिन तीनों चारों गुटों के नेता एक साथ इकट्ठे होने को तैयार नहीं थे। अंततः सुरेश पचौरी अकेले उनके स्वागत में खड़े थे, बाकी तीनों बड़े नेता यहाँ से नदारद थे। देखिए, वही बात मैं फिर दोहराने जा रहा हूँ कि कांग्रेस हाईकमान को जो भी करना है तो कड़े कदम उठाना हो मध्य प्रदेश के नेताओं के बारे में, चाहे कितने भी कद्दावर नेता हो, यदि उनको ये संदेश नहीं जाएगा पहले आप कार्यकर्ता हो नेता बाद में, कि केवल आप के अहम के लिए पार्टी लगातार अपना बलिदान देती रहेगी तो ये ठीक नहीं है। जब तक ये संदेश नहीं जाएगा नेताओं को तब तक मध्य प्रदेश में यही हालत रहेंगे। और ये बावरिया, मैं नहीं समझता जब तक हाईकमान कहेंगे बावरिया जी यहाँ के दो दिग्गज नेता हैं एक साथ उनको बैठा पाएंगे, क्योंकि वो खुद मुझे लगता है कि जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं उनसे अपने आप को कमजोर समझते हैं, जूनियर हैं, जो भी स्थिति हो। लेकिन जब तक हाईकमान का स्पष्ट निर्देश नहीं जाएगा, आप लोग बैठे नहीं तो क्या कार्रवाई की जाएगी, तब तक ये कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के नहीं सुधरने वाले हैं, ये अपने अहम की टकराहट के लिए पार्टी को डुबो देंगे। आपको लगता है कि अभी दिल्ली में ही स्थगन टाइप लगा हुआ है, सारा काम बंद है, जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं पार्टी के तब तक सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा चल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब तक राहुल गांधी जी की नई सिरे ताजपोशी नहीं होगी तब तक कांग्रेस में ऐसे चलता रहेगा, सब आपस में लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे समय निकल जाएगा। हरी जी, जैसा कि उन्होंने मृगन सिंह जी का कहना है कि मध्य प्रदेश स्तर पर नहीं होगा, जो कुछ होना है वो दिल्ली स्तर पर ही होना है। यह बात सही है, कांग्रेस में सब कुछ हाईकमान ही तय करता है, यह सर्वविदित है और सभी को पता है। कार्यकर्ता भी इस चीज़ को देख रहे हैं और उनकी नज़र भी कांग्रेस के हाईकमान पर है। दीपक बावरिया के मामले में भी देखा जाए, दीपक बावरिया को अगर भेजा गया यहाँ तो उनसे बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में उनको सामंजस्य बैठाने की एक चुनौती है, तो यह भी एक बड़ी बात है। तो कांग्रेस को नए सिरे से संगठित करके और गुटबाजी समाप्त करके और आगे आकर के चुनाव की तैयारी करना उनके लिए एक चुनौती। चलिए मृगन जी, आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो विवेक तन्खा जी ने हमला बोला था अजय सिंह जी पर, अब अजय सिंह ने पलटवार किया है, इसके पीछे कौन बड़े नेता हो सकते हैं? क्योंकि सबको पता है कि विवेक तन्खा जी कमलनाथ जी की गोद में बैठे हुए हैं इस समय, अजय सिंह जी की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी दिग्विजय सिंह जी से है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक गुट के लोग आपस में लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कमलनाथ जी के भी अजय सिंह से काफ़ी अच्छे संबंध हैं और दिग्विजय सिंह की तो है ही हैं, तो ये दोनों गुट के नेता, तो मुझे तो लगता है इसके पीछे विवेक तन्खा का क्या उद्देश्य हो सकता है इनको डाउन करने के पीछे? नहीं, मुझे लगता है अजय सिंह पर हमला बोलने के पीछे नहीं, मुझे लगता है कि ये वकीलों और जजों की लड़ाई है, जिसमें वो जल्दबाजी में करके, बाद में आपने देखा होगा उनने संशोधन किया था, जो अपना ऑडियो एक जारी उन किया था, वायरल किया था, उसमें उनने कहा था कि मैं एक वकील, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के हिसाब से, लायर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनने ये बात फिर कांग्रेसी नेता के हिसाब से नहीं कही थी। उनको जब लगा होगा कि नहीं गलत हो गया, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें
अब उनको कुछ आगे करेंगे, या हो सकता है कि मैं तो कहूंगा कि दोनों गुट के हैं तो दिग्विजय सिंह जी भले यात्रा में हैं लेकिन कमलनाथ जी दोनों को बुला के समझा सकते हैं, इस तरह विवाद से अच्छा है पार्टी के नुकसान हुआ, अब जो हुआ वो हुआ, या आपको जो करना है चुपचाप करिए, पार्टी फोरम पर करिए, इस तरह सार्वजनिक रूप से कोई बातें ना करें। ये तमाम सारी चीज़ों में हरि अग्रहरि जी, ये तमाम सारी चीज़ों में अरुण यादव जी बड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं, कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो एक एक्टिव होना चाहिए, पूरे दौरे करने चाहिए, लेकिन जब से ये विवाद चल रहे हैं वो ना तो दौरे कर पा रहे हैं, ना मुद्दे उठा पा रहे हैं, ना हमला कर पा रहे हैं सरकार पर, आपस के द्वंद्व में ही उलझ कर रह गए। कांग्रेस में असमंजस की स्थिति तो है, और खासकर लोकायुक्त के मुद्दे पर कांग्रेस में जिस तरह से आपस में बयानबाजी और गुटबाजी फैली है उसे एक तरह से मानिए कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को भी एक वॉकओवर मिल गया है, और उनमें एक खुशी है कि चलिए ये लोग आपस में अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। जहाँ तक अरुण यादव की बात है, अरुण यादव कुछ दिनों से अभी शांत बैठे हैं, या हो सकता है कि हाईकमान से कुछ ऐसे उनको निर्देश मिले हों कि अभी आप चुप रहिए, आगे आपको ऐसा कुछ मौका मिलेगा। तो हमें लगता है कि इन्हीं सब कुछ देखते हुए अरुण यादव चुप हैं, लेकिन उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। यह बात अभी जैसे भाई साहब ने बोल रहे थे कि ये इनके किस तरह से जो है आपस में इनकी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, इसको लेकर के कुछ यह बात आगे। चलिए मृगन सिंह जी, एक बड़ी घटना हुई, देखिए दीपक वावेडिया के आने के बाद में दो बड़ी वो हुआ है, एक आपने देखा होगा जब वो आए थे पहली बार, उसके तीसरे दिन भोपाल आने के तीसरे दिन विधायकों से वो मिलने वाले थे, और विधायकों से मिलने के बीच में ही एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने आए थे, बीच में जब विधायकों ने तय कर लिया कि हम जब मिलेंगे दीपक बावरिया से तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि वे विधायक नहीं हैं, और बड़ा एक इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह का मीडिया रिपोर्ट हुई कि प्रदेश अध्यक्ष को बाहर निकाल दिया गया। ये तमाम सारा होने के बाद में ये दूसरी घटनाक्रम हुआ है विवेक तन्खा और अजय सिंह वाला। दीपक बावरिया ने ना तो उस मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन लिया, ना उस मुद्दे पर सारे विधायकों से बात करने की कोशिश की, ना ही इस मुद्दे पर, अभी दीपक बावरिया भोपाल में हैं लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है किस रूप में देखा जाए, क्योंकि विधायक जिस तरह से अरुण यादव के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने हमला बोला अरुण यादव पर, ये बड़ी बात है कि अरुण यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। अरुण यादव को सूचना मिल गई थी कि विधायक मेरे खिलाफ बोलने वाले हैं तो शायद उस बैठक में भी वो नहीं पहुंचे थे, उन्होंने एक शालीनता बरती है, लेकिन ये तो तय है कि विरोध है उनका। अरुण यादव जी को मालूम था लेकिन वो बैठक में गए थे फिर अपने आप चले आए थे। अब ये जिस विधायक ने उठाया, जिसने आखिर वो कौन विधायक हैं, किसके गुट के हैं, सवाल ये है कि उन पर भर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, विधायक से पूछताछ होनी चाहिए, जिस नेता के समर्थक है उस नेता से भाई कैसा। लेकिन जो नाम आए हैं वो आरिफ वकील जी का नाम आया है, तरुण भानोट जी का नाम आया है, हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम छपा था लेकिन उन्होंने खंडन किया है अखबारों में आकर। नहीं, वो बात सही है कि आरिफ अकील जी का नाम आया था, बाला बच्चन जी का भी नाम आया। हाँ, लेकिन ये अब ये देखना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, किसके, इनको बुला के जो तो पार्टी हाईकमान एक इनको नोटिस नहीं देगा, इनसे पूछताछ नहीं करेगा, तब तक इस तरह की बढ़ती जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि बावरिया जी पहले ही उसमें इतने कमजोर हो गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रहा है किसी से पूछताछ करने की, तो अगर वो इतने कमजोर बने रहे तो यहाँ गुटबाजी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे बीच आए, समय की अपनी पाबंदियां हैं, समय की पाबंदी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपने मृगन सिंह जी बड़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है कि कांग्रेस में किस तरह कहां कहां कमियां हैं, और जिस तरह अभी जो प्रभारी महासचिव नए नियुक्त हुए हैं इनसे बड़ी भारी उम्मीदें थी सभी को कि वे आकर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन वे खुद ही काफ़ी कमजोर साबित हो रहे हैं। विधायकों ने अध्यक्ष का विरोध करते हैं तो वो शांत रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सदस्य एक दूसरे पर हमला बोलते हैं वे शांत रहते हैं, लगता है कि जो कुछ करना होगा शायद पार्टी हाईकमान को करना होगा। हरि अग्रहरि जी, आपने भी काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।